शहर हैदराबाद में है रॉडिशिटर्स पर पुलिस की खास नज़र और चलाई जा रही है इनके खिलाफ में अब दबा के मुहिम गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर की जा रही है अब कार्रवायाँ नामपल्ली के मशहूर वरूफ़ रॉडिशिटर चोर कैसर के बाद अब पुलिस ने कसा है मल्ले पल्ली में रहने वाले मशहूर वरूफ़ और बदनाम ज़माना रोडीशीटर जंगली यूसुफ़ पर भी अपना शिकंजा सिविल नेचर केस यानी एक घर के मामले में अपने एक पट्टे के जरिए एक आदमी को हरासमेंट करने और वही देने के मामले पर हबीबनगर पुलिस की टीम ने जंगली यूसुफ रोडिस्टर के ख़िलाफ़ में केस भी बुक कर दिया है मगर अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई क्योंकि यह रोडिस्टर जंगली यूसुफ पिछले कई सालों से कई एक केसेस में मुलविस है जो अपने पट्टों के जरिए लोगों को डराने धमकाने के काम अंजाम देने के अलावा मांडोलियाँ करने में माहिर है हालांकि हर रोज़ पुलिस की तरफ से ऐसे बदनामी जमान ओडिशिटस पर खास नजर रखी जाती है और फिर इनके एक्टिविटीज को भी मालूम किया जाता है मगर इसके बावजूद बड़ी आदत जाती नहीं इसीलिए वही पुराने तरीक़ेकार अख्तियार करते हुए मासूम लोगों के घरों पर नाजायज़ कब्जे करने और फिर उनकी जायदादों को हड़पने का सिलसिला जारी रखते हुए इलाक़ों में खौफ व दहशत का माहौल क़ायम रखा जा रहा है मगर शहर हैदराबाद में नए पुलिस कमिश्नर संदीप शंडालिया आई पी एस के आएबाद से तो ऐसे रोडिशटर्स के खिलाफ पुलिस अमले की तरफ से दबा के मुहिम चलाई जा रही है और फिर आवाम को बिना किसी डर व खौफ के ज़िंदगी गुजार के लिए सपोर्ट भी किया जा रहा है इसीलिए भी हबीबनगर पुलिस स्टेशन की टीम ने जंगली यूसुफ प्रोडिस और उसके एक पट्टे मोहम्मद अब्दुल रहीम के खिलाफ में थ्री और फाइव नॉट सिक्स रेटविथ थर्टी के तहत में केस बुक कर दिया है जिसका एफ नंबर टू नाइन्टी वन आब्लिक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री होता है इस सिलसिले में हबीब नगर पुलिस की तरफ से जारी किए गए एफ आई आर में लिखा हुआ है कि मोहम्मद अब्दुल रहीम नाम वाला एक आदमी जंगली यूसुफ प्रोडिशर का पट्टा होता है और वो आज से तकरीबन ढाई साल पहले यानी बीस मई साल दो हज़ार इक्कीस को मल्लेपल्ली पल्ली फन्नी ग्राउंड के पास मौजूदा शिफाविला अपार्टमेंट में रहने वाले अब्दुल अब्दुलदस के फ्लैट नंबर फोर ज़ीरो वन फोर जीरो टू में किराएदार की हैसियत से ग्यारह महीने के एग्रीमेंट पर उतर 他。 और 11 महीने की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बावजूद किराएदार मोहम्मद रहीम फ्लैट ओनर अब्दुलुदस के फ़्लैट्स को खाली नहीं कर रहा है और फिर खाली करने के लिए जोर देने पर टाल भी किया जा रहा था इसी बीच रहीम ने रोडीशीटर जंगली यूसुफ को इन्वॉल्व कर दिया और फिर यह बदनाम ज़माना रोडीशर जंगली यूसुफ़ अपनी सरगर्मियों से माली के मकान अब्दुलुदस को डरा धमकाकर मामले को यहीं पर ही सेटल कर देने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर हराम का माल खाने की नीयत से पांच लाख रुपए की भारी रकम का डिमांड करते हुए भयानक अंदाज में दे रहा था जिसकी वजह से अब्दुल परेशानी का शिकार हो गया और फिर जंगली यूसुफ की धमकियों से डर व खौफ के धमकी में जिंदगी गुजारने लगा लेकिन हबीब नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने एक अच्छा काम करते हुए जंगली यूसुफ रोडिशर और उसके पट्टे अब्दुल रहीम के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करते हुए केस तो बुक कर दिया मगर अभी गिरफ्तारी बाकी है और अब देखना यह है के पुलिस का अमला जंगली यूसुफ को भी राउडी शिटर खैसर के वैसा कब गिरफ्तार करके जेल भेज देती है क्योंकि इलेक्शन के लिए अब बस तीस दिन ही बाकी रह चुके हैं अगर इलेक्शन के दौरान ऐसे बदनाम ज़माना राउडी शिटर्स आज़ाद रहेंगे तो फिर मासूम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा